विविधता में अनेकता। आज हम अल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के नतीजे आए और कांग्रेस को जीत मिली तो कांग्रेस के वोट बैंक पर पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी का वजूद खड़ा करने वाली ममता बनर्जी के सुर बदले। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए कांग्रेस का समर्थन करेंगी, लेकिन एक शर्त के साथ, कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में उनका समर्थन करना होगा। अब ये बात कांग्रेस को रागवार गुजरी। अधीर रंजन चौधरी ने फौरन पलटवार किया, कहा कि ममता कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से घबरा गई है। ममता बनर्जी ने साफ किया कि जिन 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहां वो कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि किन किन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। हम राज्य भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही सीटें भी, और ये भी बता रहे हैं कि उन सीटों पर जीत किसकी हुई। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उन राज्यों में बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, कांग्रेस के पास कितनी। मतलब ये कि 143 जो सीटें हैं लोकसभा की, उनमें सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। उनमें से बीजेपी के पास 136 है, 136 आउट ऑफ 143, और कांग्रेस के पास सिर्फ 7। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि 2019 में कितनी सीटों पर अलग अलग पार्टियां नंबर 2 पर रही। दिलचस्प है यह आंकड़ा कि देश भर की 209 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस दूसरे पोजीशन पर रही। कर्नाटक का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अभी कर्नाटक के सामने सीएम चेहरे की मुंह दिखाई बाकी ही है और इधर कांग्रेस की जीत पर विपक्ष दीवाना हो रहा है। ममता से लेकर शरद पवार गदगद है, लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी ने सपनों पर पानी छिड़क दिया, कहा ये कर्नाटक का साइड इफेक्ट है। वेर एवर इज द कांग्रेस टॉप इन देयर रेस्पेक्टिव 200 सीट और समथिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, लेट देम फाइट, वी विल गिव सपोर्ट, नो नथिंग इज रॉन्ग, बट दे हैव टू सी दैट दे हैव टू सपोर्ट द अदर पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो। आई एम गिविंग यू द सपोर्ट इन कर्नाटका, बट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट मी एवरी डे, इट शुड नॉट बी द पॉलिसी। कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, ममता जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही होगी, सुने आपने? दरअसल ममता बनर्जी ने कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के उल्लास में जो जिन सीटों पर ताकतवर है उन पर लड़े वाला फॉर्मूला दे दिया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बंगाल से आते हैं, वहां 2024 की जंग में हथियार कैसे डाल देते, कह दिया कर्नाटक का इफेक्ट है। इसमें कटाक्ष भी था और जवाब भी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस को ममता शक की निगाह से देखती आई है। पहले सुनिए ममता ने जो कांग्रेस की 200 मजबूत सीटों पर 2024 के लिए रणनीति रखी थी। Wherever is the Congress top, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, nothing is wrong. But they have to see that, they have to support the other political party also. ममता ही नहीं, आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, विपक्षी एकता की कोशिशों पर काम हो रहा है। इस लोकतंत्र में कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद उन किन्नरों ने ये संदेश दिया है। इससे पहले भी उल्लास का संचार कर्नाटक की जीत से महाराष्ट्र तक पहुंचा था। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठक शरद पवार के घर हुई थी, उद्धव ठाकरे भी गए। 2024 के लिए विपक्ष समा बांधने में जुट गया। शरद पवार ने कहा कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने एक रास्ता दिखाया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकते है बीजेपी के खिलाफ, और कई राज्यों में लाइक माइंडेड कार्यकर्ता मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सामने जाकर लोगों के सामने एक अच्छे हिस्से दे सकते हैं। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। यही कर्नाटक का फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो। मोदी जी का करिश्मा खत्म हो गया, लोगों को ना उनका मुखौटा पसंद आ रहा है ना उनकी बात पसंद आ रही है। विपक्षी एकजुटता की सबसे ज्यादा कोशिशें करने वाले नीतीश कुमार हाल ही में उद्धव ठाकरे से मिले थे। मोदी सरकार पर दोनों ने मिलकर हमला बोला था।
हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कभी कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त। विपक्ष हर मौके पर बीजेपी को घेरने के लिए लामबंदी कर रहा है, लेकिन जीत की माला ठीक से पिरो पाए उससे पहले ही कोई न कोई धागा खींचने लगता है। इस बार कांग्रेस की प्रशंसा कांग्रेस को ही नागवार गुजर रही है। इस ऊर्जा संचार में उन्हें मौका परस्ती दिख रही है। ममता जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। आज तक ब्यूरो।